जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। क्या वीणा मालिनी कमजोर है? क्या वह मुश्किल परिस्थितियों को देखकर घबरा जाती है या डटकर मुकाबला करती है? आज की खबर में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज महिला विकास मंच से जुड़ी महिलाओं के लिए एक ऐसी खबर लेकर आप सबके बीच में आया हूँ। उन्हें अपने लीडर के ऊपर कितना विश्वास करना चाहिए और इसकी अग्नि परीक्षा आज की इस खबर में हो जाएगा। सब दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। बात कुछ दिनों पहले की है। धूप हवा पानी और लोगों की गालियां जिनके कदम नहीं रोक सकी है, वह बीमार थी। उस दिन मुझे अरुणिमा जी का अचानक से कॉल आया कि बीना जी बीमार हैं, हॉस्पिटल में आ जाइए। हमने पूछा कोई परेशानी तो नहीं है, और भी लोगों को लेकर आ जाते हैं। तभी बीना मालवी ने कहा, नहीं रे बच्चा, थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए आ गई। डॉक्टर साहब छोटा सा ऑपरेशन करेंगे। हम तो घबरा गए कि सबके लिए लड़ने वाली आज खुद ही अपनी बीमारी से कैसे लड़ रही होगी। चलो चलकर देखते हैं। भागे भागे अस्पताल पहुंचे तो यह क्या, बीना जी और नीमा जी सब लोग मिलकर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। उस समय बीना जी ने कहा, चिंता मत करो अनिल, कल सुबह तक घर पर रहूंगी और दो दिनों बाद वापस से काम पर। फोन पर सबको बता रही थी कि ठीक होने के बाद वहां चलना है, उसे इंसाफ दिलाना है। उनकी जीवटता को देखकर मैं हैरान हो गया। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब लोग मिलकर दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आज इस घटना के 2-3 दिन बीत गए हैं और यह खबर आ रही है वीडियोज के माध्यम से और उनके फेसबुक लाइव्स के माध्यम से, और फोन पर जो बातचीत हुई, बीना जी काफी स्वस्थ हैं और पहले से काफी अच्छी हैं। अब जल्द ही आप लोगों के बीच में आएंगे। अभी उनके घर पर लोग पहुंच रहे हैं, उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, उनका हाल चाल ले रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे वीणा जी जो दुख की घड़ी में भी लोगों के बारे में चिंता कर रही थी, संगठन के बारे में सोच रही थी और सबका ख्याल रख रही थी, और जब उनका ऑपरेशन हुआ उसी जीवटता और मुस्कुराहट के साथ फिर से लोगों के बीच में हाजिर हो गई है। तो ऐसे ही संघर्ष की कहानियां लोगों को प्रेरित करती है। और आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।